हमारे चैनल साइंस ई सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। वीडियो के माध्यम से हमारी हर कोशिश रहती है कि आपके जो बायो के कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हों और ज़बरदस्त मार्क्स से आप नीट के एग्जाम्स इस बार क्रैक कर सकें। इस सिलसिले में आज हम लेके आए हैं मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले 5 सालों में 2 बार और 10 सालों में लगभग 4 बार रिपीट हो चुके हैं, सो यू कांट मिस आउट दिस। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको नीट के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और यदि आपका कोई स्टूडेंट या फ्रेंड इस एग्ज़ाम्स में अपेयर होने वाला है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर भी ज़रूर करें। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगी इज हेमिसेल्युलोस, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकैन और सेल्युलोस। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, काइटिन। अगर ये क्वेश्चन आपको सीधा सीधा नहीं मिले तो घुमा के भी दैट फंगस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, इस टाइप के घुमा के क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो है फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स न्यू मेटाफोर्स अकर इन, और ऑप्शंस हैं हेलोफाइट्स, सबमर्ग्ड हाइड्रोफाइट्स, कार्निवोरस प्लांट्स और फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, हेलोफाइट्स। अब न्यूमेटोफोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ रूट मॉडिफिकेशन। न्यूमेटोफोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कई बार देखे हैं नीट के एग्जाम्स में। हमारा अगला क्वेश्चन जो है फ्रॉम द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, अगला चैप्टर, द वास्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू, ऑप्शंस हैं प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, पेरीडर्म या फिर फेलोडर्म। इसका जो सही आंसर है वो है सेकेंडरी जाइलम, ऑप्शन नंबर 2। घबराइएगा नहीं, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिले तो आपको सेम क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी देखने को मिल सकता है, दैट सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय, और इसका आंसर होगा वैस्कुलर कैम्बियम। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो इस जो पार्ट है इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसे तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है 5 बार पिछले 10 सालों में रिपीट हो चुका है, एंड इट इज़ फ्रॉम द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लीली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ वाटर, इंसेक्ट्स और विंड, बर्ड्स, बैट्स। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी खासियत ये है कि ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी है पर कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ये हैं एक्वाटिक प्लांट्स, बट इसके जो फ्लावर हैं वो वाटर लेवल से ऊपर बनते हैं, तो इसीलिए दीज आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द आंसर। ये जो क्वेश्चन है इट इज़ फ्रॉम द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है। Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells? Endoplasmic reticulum, peroxisomes, Golgi bodies or polysomes? और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, Golgi bodies। अब ये जो फंक्शन ऑफ Golgi bodies है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो कई बार हमने देखे हैं नीट के एग्जाम्स में, तो इस पार्ट को आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से, मेनी राइबोसोम्स में एसोसिएट विद अ सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली, सच स्ट्रिंग्स ऑफ राइबोसोम्स आर टर्म्ड एज, और इसके ऑप्शंस हैं पॉलीजोम, न्यूक्लियोसोम, प्लास्टिडोमा या फिर पॉलीहेड्रल बॉडीज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, पॉलीजोम।
7th question from the chapter Human Health and Diseases. Which of the following immune responses is responsible for rejection of kidney graft? किडनी ग्राफ्ट नहीं आए तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्सेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज और ऑर्गन्स. और ऑप्शंस हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स या फिर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. इसका जो सही आंसर है वो है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर 4. हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो तो हर अल्टरनेट ईयर में रिपीट होता है एंड इट इज फ्रॉम द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन. ऑप्शंस दिए गए हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ड्राउट एंड फ्लड्स, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और एलियन स्पेशीज इन्वेशन. और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. हमारा जो 9वां क्वेश्चन है इट इज़ अगेन फ्रॉम द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. तो ये जो चैप्टर है बड़ा आसान सा चैप्टर है इकोलॉजी यूनिट का. इससे हर साल नीट में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और खासियत ये है कि क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी होते हैं. तो इसके तो क्वेश्चंस आपने करने ही करने हैं. All of the following are included in ex situ conservation except. अब क्वेश्चन आपको अगर ex situ का ना आए तो in situ का क्वेश्चन ज़रूर आएगा क्योंकि हर साल ex situ क्वेश्चन या फिर in situ के क्वेश्चंस alternate years में देखे गए हैं. इसमें ऑप्शंस होंगे वाइल्डलाइफ सफारी पार्क्स, सीड बैंक्स, बॉटनिकल गार्डन्स या फिर सैक्रेट ग्रूव्स. उसका जो सही उत्तर है वो है सैक्रेट ग्रूव्स, ऑप्शन नंबर 4. हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो लास्ट चैप्टर से है दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज. अब ये जो क्वेश्चन है वो 2019 में देखने को मिला, 2020 में भी देखने को मिला. अब देखिएगा कहीं घुमा के 2021 में भी आपको इसी तरीके का सेम क्वेश्चन भी मिल सकता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डिड एम फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन टू द एटमोसफेयर. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, गोथनबर्ग प्रोटोकॉल या फिर जिनेवा प्रोटोकॉल. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल.